छोटे यूनिट संचालकों को सुदृढ़ करने के लिए चल रही प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को लेकर उद्योग विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में शिमला से आए विशेषज्ञ पहुंचे, जिन्होंने इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही बैंकों से भी अधिकारी इसमें मौजूद रहे। योजना के तहत छोटे फूड प्रोसेसिंग संचालकों को सुदृढ़ किया जाए ताकि वे अच्छे उत्पाद अधिक से अधिक बनाकर मुनाफा कमा सकें, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। उनकी यूनिट के विस्तार को लेकर इन्हें फाइनेंशियल मदद की जाएगी। कार्यशाला में आवेदकों, जिलाधिकारियों तथा बैंक संचालकों को भी शामिल किया गया ताकि योजना की विस्तृत जानकारी दी जा सके। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने बताया कि छोटे फूड यूनिट संचालकों को सुदृढ़ करने के लिए PMFMFP योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे यूनिट संचालकों को उभारने का अवसर मिल रहा है। योजना के तहत फूड यूनिट से बनने वाली सामग्री को और बेहतर तरीके से कैसे बनाकर पेश किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे यूनिट संचालक होते हैं जो अपने स्तर पर काम करते रहते हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे यूनिट संचालकों को सुदृढ़ करके इनके उत्पादों को अच्छे पहचान दिलवाने की कारगर योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत हमीरपुर जिला में दूध व दूध से बनी चीजों की यूनिट खोली जाएगी। इसके लिए करीब 4 आवेदकों को बैंक की मंजूरी भी मिल चुकी है। कई आवेदक अभी अंडर प्रोसेस हैं। दूध से बने प्रोडक्ट्स के लिए हमीरपुर जिला जाना जाएगा। दूध प्रोसेसिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए पशुपालन विभाग की भी मदद ली जा सकती है। विभागीय विशेषज्ञ यूनिट संचालकों को दूध प्रोसेसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे। ये वर्कशॉप इंडस्ट्री विभाग द्वारा की जा रही है और यहाँ जो है मुख्य एक एक जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PMFMEE स्कीम जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, उसके बारे में जानकारी देने के लिए शिमला से एक अधिकारी आए हैं और साथ ही साथ इसमें रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने बुलाया है, जैसे बैंकर्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं, इससे स्कीम से जुड़े जो हमारे जो जिला के अधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाया ताकि स्कीम के बारे में विस्तृत चर्चा की जा सके और लोगों को इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो स्कीम है एक्चुअली जो छोटे यूनिट्स होते हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं, वो इनफॉर्मल वे में भी बहुत से यूनिट्स ऐसे काम करते रहते हैं, जैसे कि मतलब वो अपने ही लेवल पे छोटे से इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और साथ में उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए इसकी ये स्कीम का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें हम सब्सिडी बेस्ड उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं ताकि उनकी स्किल्स भी बढ़ाई जा सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके और मशीनरी आदि के लिए भी वो खर्चा ज़्यादा अच्छा कर सकें ताकि कंपटीशन में वो आ सकें और अपनी मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करके अपनी एंटरप्राइज को आगे से आगे बढ़ा सकें। और एक और जो इसका स्कीम का पहलू है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो जिसके लिए मतलब एक जिला एक उत्पाद भी हम उसको बोलते हैं, तो उसमें हमीरपुर के लिए हमने उसको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के बारे में उस इस नाम से हमने इसको प्रोडक्ट को चुना है, वो पडोप बनाया है हमने और हमने इस बारे में हमने कुछ लोगों को एप्लीकेशन जो है वो हमने स्पॉन्सर करी है और 3 या 4 एप्लीकेशन जो है हमें बैंक्स ने स्पॉन्सर भी कर दिए हैं, सेंक्शन भी कर दिए हैं और वो अपना यूनिट भी सेटअप कर रहे हैं। और इसमें मतलब एक हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर होते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हैं वो डॉक्टर श्यामा चुने हुए हैं और वो इसके बारे में कैसे मिल्क प्रोसेसिंग को हम अच्छा कर सकते हैं वो मतलब ये करने के लिए उनको हमने चुना है और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को स्किल्स बढ़ाने के लिए उनको ये किया गया है। और साथ ही साथ एक और इसमें यह है कि हम एक दूध से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको इसमें स्पॉन्सर करेंगे और जो पुरानी यूनिट जो छोटे चल रहे हैं अन्य फूड एक्टिविटीज़ में, फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में, उनको भी हम इसमें स्पॉन्सर करते हैं।